अरे दिल, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जीजू, बस रील्स देख रही थी। अच्छा, चल मुझे भी दिखा। अरे क्या बातें हो रही हैं जीजू साली में? अरे कुछ नहीं, हम लोग बस साथ में रील्स देख रहे थे। अच्छा लव, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, खाना बना दूं? हाँ हाँ यार, बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं अभी बना के लेकर आती हूँ। ठीक है। और दिल, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं जीजू, बस ऐसे ही। अच्छा, और तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? बस कुछ खास नहीं जीजू, अगर आप माइंड ना करो तो प्लीज आप हाथ हटा सकते हो, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। अरे बस कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक लगने लगेगा, आदत हो जाएगी ना तुम्हें। क्या मतलब जीजू? मतलब ये कि साली साहिबा, हम आपको पसंद करते हैं। ये क्या बोल रहे हो आप जीजू? वही जो तुमने सुना। नहीं जीजू, ये गलत है। अरे कुछ गलत नहीं है, जीजा और साली के बीच ना सब चलता है। मैं दीदी को सब बता दूंगी। ये देख तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा मैं, समझी? फिर तू और तेरी बहन दोनों की लाइफ खराब हो जाएगी। नहीं नहीं जीजू, ये आप नहीं कर सकते, प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर तू वो करे जो मैं बोलूं। अरे तुम दोनों यहाँ पर हो, क्या बातें हो रही है मेरे पीठ पीछे? अरे कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा था तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है, और किसी चीज की प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। हाँ दिल, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम अपने जीजू को बता देना, वो तुम्हारे लिए ले आएंगे। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। ठीक है दिल। दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मुझे जीजू के बारे में बात करनी थी। अब मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है, वो कितने अच्छे हैं ना, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, और हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, फील तक होने नहीं देते, है ना? नहीं दी, वो एक्चुअली मुझे जीजू कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, एक्चुअली उनका टच मुझे नहीं ठीक लग रहा है। दिल तू कैसी बातें कर रही है, पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, लव बहुत अच्छे हैं। नहीं दी, उन्होंने मेरी एक वीडियो भी बना रखी है कपड़े बदलते हुए। तो क्या बोल रहे थे को पता भी है? कुछ भी बोले जा रही है, वो तेरे को इस घर में रखते हैं, तेरे कॉलेज की फीस भर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं तेरे लिए, और तू ऐसा सोचती है उनके बारे में? तू सोच तो लेती एक बार, तू क्या बोल रही है? दी मैं सच बोल रही हूँ। चुप हो जा, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी, आई बात समझ में? तू सोच, अगर लव को मालूम पड़ गया वो क्या सोचेंगे, तू क्या बोल रही है ये सब? अगर तक उन्होंने इस घर से निकाल दिया फिर तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी? हाँ अरे दी बट चुप, दोबारा इस बारे में बात ना हो इस घर में, आई बात समझ में? दी क्या हुआ, बता दी अपनी दीदी को? नहीं किया उसने यकीन, अब क्या करेगी? कुछ नहीं, जो आप बोलोगे वही करूंगी। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी मान गई। चलो अच्छा है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी दीदी गई है ऑफिस के लिए, तो जब तक वो नहीं आती उसकी कमी तुम पूरी कर दो। और वैसे भी साली आधी घरवाली होती है। बट जीजू दीदी को पता चल जाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो,
ना मैं उन्हें बताऊंगा और ना तुम। फिर भी आपको दीदी को धोखा तो नहीं देना चाहिए ना? हाँ, धोखा तो मैं उसे दे रहा हूँ, लेकिन अगर धोखा नहीं दूंगा तो मुझे ये कैसे मिले? और वैसे भी शादी से पहले से नजर है मेरी तुम्हें। जीजू मुझे मुझे डर लग रहा है। अरे दिल तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। लो दीदी। स्वरा अच्छा हुआ तुम आ गई, ये देखो ना क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मैंने इसको मना किया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे पीछे ही पड़ गई। सौरभ आपको दीदी को धोखा तो नहीं देना चाहिए ना? धोखा तो मैं उसे दे रहा हूँ, लेकिन अगर धोखा नहीं दूंगा तो मुझे ये कैसे मिलेगी? लव ये सब करने के लिए तुम उसको यहाँ पर रखना चाहते थे हा? मुझे लगा हमारे पेरेंट्स नहीं है तुम इसलिए इसको यहाँ पर रख रहे हो। मैं तो सोचती थी मेरा पति भगवान है, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी। जिसको मैंने भगवान समझा वो तो हैवान निकला। सौरभ मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस आती होगी। सर यही है, ये मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। सौरभ तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, मैं तुम्हारा पति हूँ, और मेरे बिना तुम क्या करोगी? अच्छा तुमसे शादी करने से पहले हम दोनों बहन साथ रह रहे थे, अब भी रह लेंगे। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सर इसे ले जाइए। नहीं प्लीज सौरभ, प्लीज सौरभ। मुझे माफ कर दो दिल, तुमने मुझे कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हारी बात पे कभी भरोसा नहीं किया। नहीं दी, मेरी वजह से आपका घर टूट गया। नहीं बहन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए मेरा घर मेरा सब कुछ सिर्फ तू ही है।